रेड बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन का बेल भी ज़रूर ऑन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है मैं रिव्यू करने वाली हूँ टीबीसी का डायमंड परफेक्ट फॉर एवर फेशियल किट है ये, और इसके साथ बहुत सारी और सामान आया है। अभी मैं आपको सारा बताती हूँ कितने का है क्या है। तो एक ये जो है ये फेशियल किट आया है, और ये होम शॉप 18 से मैंने ऑर्डर करा है। पूरा एक कॉम्बो है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी चीज़ें आई हैं। तो इसमें ये जो है फुट क्रीम आया है, वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फुट क्रीम है, और इसी के साथ ये फुट स्क्रब है। ये दोनों चीज़ें जो हैं मैनीक्योर पेडीक्योर के लिए हैं, और एक इस तरीके का ये जो है फेस वॉश है डायमंड का ही। और इसके बाद एक और ट्यूब है, ये जो है क्रीम है, ये ब्यूटी बाम क्रीम, बीबी क्रीम है, ये SPF 35 है इसमें। और आप देख सकते हैं ये भी एक इसके अंदर आई है, दो ये हो गई हैं। और उसके बाद इसमें एक नेल पेंट और एक काजल आया है, ये मैक्सिकन रेड कलर में है बिल्कुल, और ये काजल है इसका, तो अभी पैक्ड हैं ये सब चीज़ें। और दो क्रीम्स आई हैं इसके साथ, आप देखेंगे एक ये जो क्रीम है ये डे क्रीम है डायमंड की, और इसका प्राइस भी मैं आपको दिखाती जाती हूँ साथ साथ। तो ये जो है ये है 345 रुपीस की ये वाली क्रीम, और ये डे क्रीम है। और एक ये वाली है, ये इसके साथ नाइट क्रीम आई है डायमंड की ही, और इसका प्राइस भी जो है वो इतना ही है। और इस तरीके से दो ये क्रीम्स आई हैं, और अब लास्ट जो बची है वो है ये ब्लीच। तो आप सोच रहे होंगे ये इतनी सारी चीज़ें कितने की होंगी, लाइक एक ये ब्लीच है जो इसका प्राइस भी जो है मैं देख लेती हूँ किधर मेंशन है, 75 रुपीज़। तो यहाँ पर भी इस ब्लीच का भी प्राइस दे रखा है, डायमंड की ये ब्लीच है। तो आप देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें हैं, दो क्रीम्स, एक फेस वॉश, बीबी क्रीम, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो मेन है वो है ये डायमंड। अभी मैं इन सब का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, अभी मैं इन सब के बारे में नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैंने बताया आपको कि कॉम्बो में ये सारी चीज़ें आई हैं इस बॉक्स के अंदर। और मैं टीबीसी के बहुत फेशियल यूज़ कर चुकी हूँ होम शॉप 18 से मंगा के, ट्रस्ट मी बहुत अच्छे फेशियल्स हैं। और पहले भी मैं मंगा चुकी हूँ, चॉकलेट फेशियल मंगा चुकी हूँ, पर्ल फेशियल मंगा चुकी हूँ, बहुत सारे फेशियल्स मंगा चुकी हूँ। तो ये जो डायमंड का फेशियल है ये है, मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ अभी, ये है 1199 यानी 1200 रुपये का है ये, और ये सिर्फ ये फेशियल। तो आप सोच रहे होंगे पूरी किट मैंने कितने की मंगाई है, लेकिन जो ये मैंने पूरी किट मंगाई है ये सिर्फ और सिर्फ 570 रुपीज़ में है। 570 में ये फेशियल है, ये क्रीम्स हैं, ब्लीच है, स्पा की दोनों चीज़ें हैं, बीबी क्रीम है, और फेस वॉश है, लाइक सारा कुछ जो है ये 570 में है। कल स्कीम में था मेरा एक कूपन, मतलब उन्हीं ने एक कूपन दिया था वही लग गया था, तो ये 570 रुपीज़ का पूरा कॉम्बो है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये डायमंड फेशियल के अंदर क्या क्या है। इसमें 4-in-1 यानी 4 स्टेप लिखे हुए हैं, तो किस तरीके से अंदर से ये होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ट्यूब्स में है ये, तो ऐसे जो हैं इसकी ये 4 ट्यूब्स हैं, 4 स्टेप का फेशियल है ये सिंपल सा। और इस तरीके से आएगा, तो फर्स्ट जो इसमें स्टेप है ये वाला, ये फेशियल जो है ये 50 ग्राम की ट्यूब है, और स्टेप वन इन सबको जो है खोल लेती हूँ, क्योंकि ये सारे जो हैं पैक्ड हैं अभी, और मेरे को नाम विजिबल नहीं है क्योंकि ये ब्लैक कलर की ट्यूब है, तो नाम मैं देखूँगी इन पे।
तो इस तरीके से मैं इनको खोलने वाली हूँ अभी चारों को, चारों की पैकिंग। तो अब मैं इन चारों की पैकिंग जो है खोल चुकी हूँ। तो ये जो है, ये है जेल, फर्स्ट जो है ये जेल, और इसके ऊपर मेंशन है कि ये जेल जो है किस तरीके से लगाना है, जेंटली अप्लाई करना है फेस के ऊपर, नेक के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, मैं पहले भी बहुत सारे फेशियल्स के रिव्यू कर चुकी हूँ, बहुत सारे फेशियल्स को करके दिखा चुकी हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं ये वाला फेशियल भी करके दिखा दूँगी, अभी जस्ट मैं प्रोडक्ट का रिव्यू दे रही हूँ। तो इसमें क्या है, जब बहुत बार मेरे को मैसेजेस आते हैं कि जो जेल है आपने बताया नहीं, उसको धोना है, साफ़ करना है। सबसे बड़ी बात, जब भी किसी भी फेशियल में आप जेल यूज़ कर रहे हो, जेल को आपको कभी भी वॉश नहीं करना होता। जेल जो है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन के अंदर। जेल का काम ही ये है कि वो जाएगा तभी वो ट्रीट करता है, तभी वो फ़ायदा देता है आपकी स्किन को। तो जेल जो है, उस जो जेल है आपको उसको बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना है, जेल को बिल्कुल भी धोना नहीं है। जेल जो है आप लगाएं और वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो ये जेल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से है ये, आप देखेंगे। ओ, ये कुछ इस कलर का जेल है और ये आपने अप्लाई करना है। सेकंड जो स्टेप है वो है स्क्रब। तो ये सेकंड स्टेप है स्क्रब, और इसको भी आपने जेंटली स्क्रब करना है अपने फेस के ऊपर 2 to 3 minutes। और जस्ट आपको ये स्क्रब करना है, और उसके बाद आपने स्क्रब के बाद हमेशा जो है वॉश करना चाहिए फेस, क्योंकि स्क्रब के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स रहते हैं, तो वो वॉश करना चाहिए। अगर आप फिर क्रीम लगाओगे उसके बाद, कोई भी मसाज क्रीम, और आप मसाज क्रीम लगा के अगर उसे अप्लाई मसाज क्रीम लगा के आप उसे रब करते हैं, तो अगर आपने स्क्रब साफ़ नहीं किया होगा तो जो स्क्रब के जो पार्टिकल्स रहते हैं, आप देखेंगे इस तरीके का स्क्रब है, वाइट कलर का। और इसके ग्रेन्यूल्स जो हैं बहुत ही बारीक हैं, मतलब कि बिल्कुल भी पता ही नहीं लग रहा, बहुत ही बहुत बड़े बड़े नहीं है जो आपके स्किन के ऊपर हार्श हों या बहुत ज़्यादा ख़राब करें, बहुत छोटे आप देख सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे कितने हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं। तो ये जो है इसका सेकेंड स्टेप है। उसके बाद स्क्रब लगाने के बाद जो थर्ड स्टेप आता है इसमें, ये सारी 50-50 grams की जो हैं ट्यूब्स हैं। तो आप देखेंगे ये स्क्रब है इसका। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप आता है, ये क्रीम है, सिंपली जो क्रीम आपको मसाज करनी होती है। तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं, 10 to 15 minutes के लिए आप इसे रब करें अपने फेस पे। तो बहुत सिंपल ही है, सबके स्टेप्स बेसिक ही स्टेप्स रहते हैं फेशियल के, वही सारी चीज़ें होती हैं। और वाइट कलर की एक ऐसा क्रीम है इसकी। तो ये जो है इसका थर्ड स्टेप है। उसके बाद जब ये तीनों स्टेप आप कर लेंगे, फिर है फोर्थ स्टेप, और ये मास्क है। तो ये डायमंड्स का ही मास्क है, ये इस तरीके का मास्क है, आप इसको लगाएं। और मास्क का तो सिंपल ही होता है, जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जब वो सूख जाएगा तो उसे आप धो लेंगे। तो यही चार स्टेप का सिंपल सा जो है ये फेशियल है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आपको लगेगा कि मैं आपको ये करके दिखाऊं, तो मैं आपको करके भी दिखा दूं कि ये सिंपल सा जो था एक रिव्यू आज मैंने कर दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो और कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I'm